बहती हवाओं के जैसे है इरादे, उड़ते परिंदों से सीखी है जो बातें, अनजानी राहों पे कोई। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग बढ़िया होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो आज हम जा रहे हैं गांव और पहले चलेंगे बेलेश्वर। गाइस यहां से हम निकल चुके हैं। अब इसी हम यहाँ से निकल चुके हैं। आज हम गांव की तरफ जाएंगे, थोड़ा बीच में चमैला में काम है थोड़ा, उसके बाद निकलेंगे वहाँ से। अभी हमने इससे पहले पेट्रोल भराया है, देखिए हनुमान मंदिर, यहाँ से निकल चुके हैं हम। तो गाइस बाद में मिलते हैं थोड़ा देर बाद। तो गाइस ये चमैला वाली रोड पे जा रहे हैं हम, देखिए और मनीष भाई फेलते हुए गाड़ी को। हम पहुंच चुके हैं पहले सर, यहाँ थोड़ा भाई का काम है, उसके बाद हम चलेंगे गाँव। रोड काफी छोटी है पर गाड़ी बड़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं। बस पहुंच ही गए हम, हमें यहाँ से वापस रिटर्न जाना गांव की ओर। ये अपनी 150, ये है हमें भी चमियाला के जहाँ बेलेश्वर हॉस्पिटल है उसके इर्द गिर्द काम से आए यहाँ। और आप देख सकते हो ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया घर से क्योंकि जल्दी में था, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया। फिलहाल दिखाते हैं आपको जब अपने गांव जाऊंगा। कल ही वहाँ मूर्ति की स्थापना हुई तो मैं जा नहीं पाया किसी कारणों से, तो आज आपको दिखाता हूँ वहाँ का व्यू कि कैसी लगी है मूर्ति भगवान शिव जी की। चलते हैं गाइस गांव की तरफ, आपको तीन पाजियों के बीच ले जाएंगे। गाइस ये हम चमियाला से अब गांव की तरफ जा रहे हैं इस रोड पे, देखिए आप। ये हमारी गाड़ी हुई न्यूट्रल, इसके बाद चालान है तो हम गाड़ी न्यूट्रल करके चलेंगे। आप देख सकते हो हरियाली छा रही है हर जगह। और ये देखिए ये है बालगंगा नदी जो कि हमारे गांव से निकलती है बूढ़ा केदार टोली से, और मैं आज भाई के साथ जा रहा हूँ उनके गांव टुंगमंदार। टुंग है प्रॉपर गांव, टुंग है इनका। शर्म की बात है दोस्तों के, पता नहीं मुझे उसके ऊपर कहा होगा, कोई नहीं। ये देखिए आप, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हुई और ये चली स्पीड में। चस रोड है, मनीष भाई भी कह रहे हैं कि गांव की सड़क की तारीफ जरूर करेंगे। तो गाइस अभी तो खैर दिख नहीं रही है, लेकिन दिख जाएगी।
गाइस मैं वो नदी दिखाना चाहता हूँ आपको जो बालगंगा और बेलंगा नदी का मेल होता है। और पीछे छूट गया गाइस, सॉरी हम दिखा नहीं पाए आपको क्योंकि मनीष भाई उस रफ्तार में चला रहे हैं आज गाड़ी। मैं जल्दी पहुंचना है गाँव क्योंकि काफ़ी इमरजेंसी काम आ चुका है। मेरा काम तो निपट गया, मैं खुश हूँ, पर मनीष भाई का नहीं निपटा भी। चलिए निकलते हैं अब गाइस। ये देखिए ये उधर साइड हम अभी दिखा नहीं पाए, वहाँ बिल्की है। तो हम घूम फिर के वहीं आ चुके हैं, अगर हमें दूसरा रास्ता पता होता तो शायद है नहीं। हम गंसाली है, मनीष भाई कह रहे हैं। हाँ तो हमारा जो काम था उच्चा में आ रहा था, इसलिए हमें घूम के आना पड़ा यहाँ। वो देखिए नीचे आप जीत। क्या नाव है वे नीचे? ओ भाई साहब, तो चले देखिए ब्यूटीफुल नजारा है, काफी सुंदर दृश्य। गाइस देखिए मनीष के गांव पहुंच चुके हैं हम, अभी यहां से दिख नहीं रहा होगा। देखिए सुंदर सुंदर पहाड़, देखिए आप क्या बेहतरीन नज़ारा है। हालांकि सुनसान इलाका जरूर है लेकिन बेहतरीन है। देखिए हम दिवाली की तरफ जा रहे हैं गाइस, हम पहुंच चुके हैं, जा रहे हैं गांव अपने घर पे, फिर चलेंगे ढूंग और सब चल चल के मर चुके हैं। देखिए पैदल रास्ता भी और सबको आज अपना गांव दिखाता हूं पूरा। और ये देखिए आजकल गांव में काफी ज्यादा घास उग चुकी है, आप देख सकते हैं। और ये गांव अपना और ये अपना घर जो कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये लिखा है श्री भुखंडेश्वर महादेव कृपा देवता मंदिर में दिवसीय अम्बी प्राण प्रतिष्ठे यज्ञ। तो इसके लिए हम अभी मंदिर में जाएंगे नीचे, तो आपको दिखाएंगे स्थापना कैसे हो रखी भगवान शिव जी की। तो देखते हैं, दिखाते हैं आपको, काफ़ी अच्छा बन चुका है। और व्यू देखिए आप, हमेशा यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा रहता है। और ये स्कूल, और अभी हम जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने। तो मैं भगवान भोलेनाथ से यहाँ अनुरोध करूँगा कि आपको और आपके परिवार को हमेशा खुश रखें। और अब आपको सीधा मिलते हैं मंदिर में।
सकते हैं आप पूरा मंदिर यहाँ से, भगवान क्षेत्रपाल और भोलेनाथ का। और ये देखिए यहाँ की टंकी, जिसको गढ़वाल में डिग्गी बोलते हैं लोग, भगवान क्षेत्रपाल देवता का मंदिर तो आपको दिखाते हैं अभी। ये देखिए आप निशान नंदी जी महाराज, क्या आप क्षेत्रपाल देवता के निशान, और अंदर शिवालय और ये भगवान, और ये जो स्थापना हुई मूर्ति भगवान भोलेनाथ की, तो ये रही हो, ये भगवान भोलेनाथ की मूर्ति। और फिर इसके बाद सीधा घर चलते हैं, देख सकते हैं आप शिवजी भगवान की ये सीढ़ी यहाँ पे। और यहाँ पे हवन के लिए हवन कुंड, और ये पूरा मंदिर आपको दिखाते हैं। और ये नंदी जी महाराज, और अंदर से और इसी के साथ हम अलविदा लेते हैं, और मिलते हैं आपको परीक्षा भाई है, और मिलते हैं आपको। ये अनुरोध करता हूँ कि आपको और आपके परिवार को हमेशा सुख समृद्धि और खुशहाल रखें। और इसी के साथ आपको इस ब्लॉग से विदा लेता हूँ दोस्तों, और मिलते हैं आपको नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, और अभी हम फिर चलते हैं घनसाली की ओर। हम ढूंढ से निकल चुके हैं, फिर हमें थोड़ा नीचे पे काम है, यहाँ से हमारा एक काम नहीं हुआ लेकिन दूसरा काम हो चुका है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं हम। देख लिया आप सुंदर नज़ारा, नाव देखो यहाँ। मैंने पहले दिखाया था आपको, आजकल झील पुल भर चुकी है आजकल, तो देखो दिख रही है नाव हल्की सी दूर। और आजकल झील पुल भर चुकी है आप देख सकते हैं, जो कि आज का टूर भी हमारा ख़त्म हुआ, क्योंकि ढूंढ मजार का आज वह स्थापना थी मंदिर पे, लेट हुई लेकिन दर्शन जरूर थे।